प्रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल दिया गया। दरअसल मेयर इन काउंसिल ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर यह जानी जाएगी, छत्रपति शिवाजी कोठी इसका नाम होगा। लगभग 204 साल पहले इस कोठी का निर्माण हुआ था और बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति में रेजिडेंसी कोठी में बगावत हुई थी और इस बगावत का जो असर है वो ये कि आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं और ऐसी कई छोटी छोटी बगावत और कोशिशों से मुल्क को आज़ादी मिली, जिसमें एक बड़ी भूमिका जो रेजिडेंसी कोठी अब तक रही वहाँ से भी निभाई गई। हालांकि अब ये रेजिडेंसी कोठी नहीं, अब ये छत्रपति शिवाजी कोठी के नाम से जाना जाएगा। मेयर इन काउंसिल की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। लगभग 204 साल पहले इस कोठी का निर्माण हुआ था। और अब नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने रेजिडेंसी कोठी का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे जाने की मांग की है और वहीं कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोट बैंक हासिल करने के लिए छत्रपति शिवाजी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है और उनके नाम का रेजिडेंसी कोठी इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है और नाम बदला जाए और उस पर सियासत न हो ऐसा तो अब तक हुआ नहीं है। और एक बार फिर यहां रेजिडेंसी कोठी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखे जाने से सियासत फिर से शुरू हो गई। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, दो विषय हैं, एक तो रेजिडेंसी कोठी का नाम बदला गया, वो किन परिस्थितियों में बदला गया, और दूसरे इस पर सियासत भी शुरू हो गई है जिस तरह से किसी भी जगह के नाम बदलने को लेकर अमूमन देखी जाती है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो सिर्फ रेजिडेंसी कोठी नहीं, कई सारे ऐसे बगीचे हैं और रोड थे, फ्लाईओवर हैं या चौराहे, जिनके नाम के नामकरण को लेकर इस MIC बैठक में चर्चा होनी थी और उस प्रस्ताव पर मोहर लगनी थी। और देखिए, नगर निगम की जो मेयर इन काउंसिल है उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया, खासतौर पर रेसिडेंसी कोठी है, अब रेसिडेंसी कोठी पहचान नहीं होगी, क्योंकि रेसिडेंसी कोठी नाम जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल की उस वक्त जो अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार किया वो सबकी याद दिलाती है और इसी चीज को देखते हुए अब नाम बदल दिया गया है और नाम जो है छत्रपति शिवाजी कोठी के नाम से रखने का फैसला लिया गया और बहुत जल्द वहां पर एक बड़ा बोर्ड लग जाएगा जिसे छत्रपति शिवाजी कोठी के नाम से लोग पहचानेंगे। शिवाजी वाटिका के नाम से जो रेसिडेंसी कोठी के अंदर जो पूरा एक बड़ा उद्यान बना हुआ है उसे शिवाजी वाटिका के नाम से पहचाना जाएगा। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत जो है वो रेसिडेंसी कोठी से शुरू हुई थी। सादत खान ने उस बगावत को ऑपरेशन को पूरा अंजाम दिया था और देखिए, मालवा की जो अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र रहा है वो रेसिडेंसी कोठी ही रहा है। अब रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल चुका है और देखिए, ये बिल्कुल है कि अगर नाम बदले और इस पे सियासत ना होती ऐसा होना ही संभव ही नहीं है और अब इस नाम को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के जो नेता है राकेश सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव होना है और चुनाव का फायदा उठाने के लिए रेसिडेंसी कोठी का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी कोठी रखा गया है, जबकि ये जो इंदौर शहर है पहचान मां अहिल्या से, इसलिए इस कोठी का नाम देवी अहिल्या कोठी रखना चाहिए था। तो नाम को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और इस नाम को लेकर कांग्रेस का पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है। जी मिथिलेश, रहिएगा आप हमारे साथ, दीपक जैन जी भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। दीपक जी, ये नाम छत्रपति शिवाजी कोठी होने के बजाय अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होना चाहिए था, कांग्रेस की ऐसी मांग है, ये आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी? देखिए, सभी महापुरुष हमारे लिए आदर्श में और उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में भी एक बार कहा था कि हम हर उस गुलामी को मिटाना चाहते हैं जो अंग्रेजों से जुड़ी है, जो गुलामी का प्रतीक है। और इसी बात का अनुसरण करते हुए इंदौर नगर पालिक निगम एवं महापौर पुष्य मित्र भार्गव जी और सभी MIC सदस्यों ने रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलकर भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों के आधार पर छत्रपति शिवाजी कोठी रखने का निर्णय लिया है। और इसके पूर्व भी रेसिडेंसी एरिया का नाम बदल करके महाराजा भक्ता और रामनगर क्षेत्र किया गया है। तो हमें इस बात का एहसास हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास हो कि जिन महापुरुषों के नाम से कोई भवन या कोठी और मार्ग किया जाता है तो उनके जीवन चरित्र को जानने का भी हमारी युवा पीढ़ी प्रयास करेगी। और कांग्रेस के ये अनर्गल बयान है, कांग्रेस ने हमेशा गुलामी के जीते प्रतीक है
उनके बढ़ाने उनको सिर्फ बढ़ाने का काम किया है, उन पर चलने का काम किया है बजाय उनको मिटाने के। लेकिन दीपक जी, चूंकि इंदौर जो शहर है या जो इंदौर पूरा क्षेत्र है ये अहिल्या बाई की धरती कहा जाता है, तो इसमें तो गुलामी का नाम बढ़ाने या उसका चिन्ह बढ़ाने का तो कोई विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है कि ये तो अहिल्या बाई जी के नाम पर होना चाहिए था, छत्रपति शिवाजी का नाम रखने से ये महाराष्ट्र के वोटर्स को प्रभावित करना चाहते हैं। देखिए, ये अनर्गल बयान है कांग्रेस के अहिल्याबाई के ऊपर, जो हम सबके लिए पुण्य लोका है, उनके लेकर मध्य प्रदेश शासन ने 300वां उनका जयंती वर्ष चल रहा और पूरे प्रदेश में उसको लेकर के आयोजन हो रहे हैं, और माँ अहिल्याबाई हमारे लिए स्तुत्य है, प्रणम में है, वंदनीय है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी हम सबके लिए एक हमारे ऐसे प्रतीक है जिन्होंने भारत को एक आजादी के समय और ऐसे मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तो सभी महापुरुष हमारे लिए समान है। अहिल्याबाई जी पर भी हमारे आने वाले समय में कई घोषणाएं भी की है। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी बात कर लेते हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर, दीपक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये जो रेजिडेंसी कोठी अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगी, इसमें क्या एतराज है कांग्रेस को? देखिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंदौर को जो विकसित करा है, इंदौर में होलकर का देवी अहिल्या भाई होलकर का सबसे बड़ा योगदान। अब रेजिडेंसी कोठी जो इंदौर की एक शान है, जो सालों से जिसका नाम रेसिडेंसी कोठी था, उसको आज अगर देवी अहिल्या भाई होलकर के नाम पे किया जाता तो इंदौर का सम्मान बढ़ता, इंदौर के जो रचयिता है उनके नाम पे करना बेहतर था। विरोध हमारा शिवाजी के नाम पे करने का नहीं है, लेकिन आपने ये समय का उपयोग इसलिए करा है कि महाराष्ट्र के चुनाव है, मराठी वोटरों को प्रभावित करना है, तो ऐसे खेल खेलना कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, शिवाजी के नाम पे, शिवाजी महाराज जी के नाम पे महाराष्ट्र में या अन्य जगह सैकड़ों चीजें हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे महाराष्ट्र में कितनी चीजें हैं आप बता दीजिए, तो आप फिर उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं इंदौर में? आपका उद्देश्य क्या है? आप ये बोल रहे हैं 300 साल हो गए और ये सब हम मना रहे हैं, अगर इंदौर की महत्वपूर्ण चीज का नामांकन आप कर रहे हैं, वो बिना जनता से विचार करे सीधे आप कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि प्रस्ताव पास कर दिया, तो आपने क्या सभी दलों से, सभी लोगों से, सामाजिक लोगों से, संगठनों से सलाह की थी कि आप ये नाम रख रहे हैं? नाम का विरोध नहीं है, लेकिन अहिल्या भाई का अपमान करना ये उचित नहीं है। तो कोई तो पहल करेगा राकेश जी, अगर आज छत्रपति शिवाजी के नाम पर इंदौर में कोई संस्थान, कोई इमारत का नाम रखा जाएगा, तो होने वाले आने वाले समय में हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कोई जगह देवी अहिल्याबाई के नाम पर हो। हालांकि अब इस विषय पर राजनीति करना या इस तरह की बात करना ठीक है, स्वाभाविक है, राजनीतिक दल हैं, कुछ कुछ विषय सबके अपने रहते हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी रहती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।